It was a dark night. Guys, we need something big. Let's take on the D segment. Let's create the big daddy of all SUVs. How big is big enough? Daddy's so big, even the big will feel small. I hear he's from the future. That high tech. You know what they say about Daddy? What? Daddy is fast, even in slow motion. But wait, who is the big daddy of SUVs? You'll soon find out. And so will the D segment. The big daddy of SUVs from Mahindra. यह है महिंद्रा स्कॉर्पियो का न्यू टीजर। इस टीजर में आप देख सकते हैं कि डी सेगमेंट की द बिग डैडी ऑफ एसयूवीज जल्दी ही मार्केट के अंदर आने वाली है। अब महिंद्रा स्कॉर्पियो को लेकर बहुत टाइम से मिथ्स हैं कि स्कॉर्पियो कब आएगी, क्योंकि बहुत टाइम से इसकी वेटिंग चल रही है। स्पेशली जो एसयूवी 700 की जब टेस्टिंग चल रही थी, तो एसयूवी 700 के साथ इसको भी कहीं कहीं पर स्पॉट किया गया था, तो हमें यही लग रहा था कि 700 के बाद में स्कॉर्पियो जल्दी ही आएगी। बट बहुत टाइम हो चुका है, अब स्कॉर्पियो का टाइम है आने का। तो कंपनी अब यहां पर अपनी फुल प्रोसेस में लगी हुई है महिंद्रा की न्यू स्कॉर्पियो को रिवील करने के लिए, लॉन्च करने के लिए। एंड आज हम आप सभी के लिए कुछ न्यूज लेकर आए हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो के रिलेटेड में। सो यहां पर स्कॉर्पियो के अंदर आपको क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलने वाला है जो ओल्ड स्कॉर्पियो है उससे, तो यहां पर कंप्लीटली जो स्कॉर्पियो है उसको डी सेगमेंट पे शिफ्ट कर दिया है। मतलब डी सेगमेंट की मतलब कि इसके अंदर आपको स्पेस ज्यादा मिलेगा, फीचर्स आपको ज्यादा मिलेंगे, एंड ये बिग डैडी ऑफ एसयूवी है। मतलब कि जितनी भी एसयूवी मार्केट के अंदर में, उनसे कुछ खास फीचर आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो अगर आपने कोई एसयूवी बुक कर रखी है तो अभी आप उसको होल्ड पर रखिए, क्योंकि महिंद्रा स्कॉर्पियो जल्दी ही आने वाली है, तो उसका आप थोड़ा सा वेट करिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं गाड़ी के अंदर पावर ट्रेन की। तो गाड़ी के अंदर आपको 2.2 लीटर का डीजल इंजन कंपनी ऑफर करती है इस गाड़ी के अंदर, जो कि आपको 130 bhp की पावर जनरेट करके देगा, एंड वहीं पर 300 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करके देगा। यह इंजन डेफिनेटली इस गाड़ी के अंदर आ सकता है। एंड हम बात करें अगर ड्राइव ऑप्शन की, तो FWD फोर व्हील ड्राइव ऑप्शन हो सकता है कि कंपनी इस वेरिएंट के अंदर दे। अब यहाँ पर 50-50% चांसेस हैं, तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि जब भी गाड़ी रिवील होती है तो क्या क्या ऑप्शन हमको मिलते हैं। हम यहाँ पर अगर बात करें स्कॉर्पियो के फ्रंट ओवरऑल व्यू की, तो फ्रंट में आपको टॉप मॉडल के अंदर प्रोजेक्टर बेस्ड हेडलैम्प्स मिलेंगे, वहीं पर आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प्स मिलेंगे लोअर वेरियंट में। क्रोम ग्रिल मिलेगी। महिंद्रा स्कॉर्पियो में आपको न्यू लोगो देखने को मिलेगा, जो अभी हाल ही में एसयूवी 700 के अंदर आया था, वही सेम एज इट इज़ लोगो एसयूवी में आपको ये देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको प्रोजेक्टर बेस्ड फॉग लैंप्स ऑफर कर सकती है कंपनी सी शेप्ड DRL के साथ, जो कि बहुत ही प्रीमियम लुक देगी। एंड वहीं पर बात करें ओवरऑल फ्रंट डिज़ाइन की, तो आप देख ही सकते हैं इमेजेस में, अभी कैमोफ्लॉज है इस पे चढ़ा हुआ, तो देख सकते हैं कुछ डिज़ाइन आपको इस टाइप से देखने को मिलेगी। हाँ, क्रोम एलिमेंट की बात करें तो ग्रिल पर आपको क्रोम एलिमेंट देखने को मिलता है। साइड ओवरऑल व्यू से गाड़ी बहुत ज़्यादा मस्कुलर है, बहुत अच्छी लग रही है, बिग डैडी ऑफ एसयूवी है, डी सेगमेंट पर बेस्ड है ये गाड़ी, तो कहीं ना कहीं लंबी चौड़ी है, स्पेस आपको अच्छा मिलेगा, व्हील बेस आपको अच्छा मिलेगा। न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो के साथ आपको जो ड्राइव एक्सपीरियंस मिलने वाला है वो बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, इसका मतलब कि। तो यहाँ पर हम बात करें अगर ओवरऑल व्यू की, तो गाड़ी देखने में अच्छी है। इंटीरियर की कुछ स्पाई इमेजेस आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आएगी, तो ये इमेजेस में आप देख सकते हैं जो इसका इंटीरियर है, जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, सनरूफ है इसकी, हालांकि टॉप एंड में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलने वाली है, इसका मिड वेरिएंट है, तो यहाँ पर इसके अंदर आप फीचर्स वगैरह देख सकते हैं। और लेदर अपहोस्ट्री में सीट्स मिल जाएंगी, ड्यूल टोन फिनिश में आपको सीट्स मिलेंगी, और वेंटिलेटेड फंक्शन भी आपको मिल सकता है स्कॉर्पियो के अंदर। तो ढेरों सारे फंक्शंस आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिलेंगे, मतलब कि ये एक टेक फन कार होने वाली है, जिसके अंदर आपको टेक्नोलॉजी बहुत सारी मिलेगी, फन एक नेक्स्ट लेवल पे मिलेगा। एंड कार तो स्कॉर्पियो नाम ही है, ब्रांड है एक, तो 2002 में आई थी ये सबसे पहले महिंद्रा इंडिया के अंदर स्कॉर्पियो को लेकर, एंड अभी इसको 20 साल हो चुके हैं, एंड 2022 में इसका न्यू जनरेशन वेरिएंट आने वाला है। सो आप क्या सोचते हैं स्कॉर्पियो के बारे में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इसी के साथ आप ऐसी और वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एंड हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें टेक्निकल भोपाल ऑफिशियल। हम आपसे मिलेंगे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ में, तब तक लिए बाय बाय।